Hi friends, in today's session we will start with a battery. This is really very easy and really very scoring topic, just because one question is definitely gonna ask from this part. So without wasting much time, we start with the batteries. Basically batteries are two type. First is primary batteries, another is secondary batteries. Now primary batteries, which cannot be rechargeable, सिंपल हमारा डे टू डे लाइफ यूज करने वाला पेंसिल सेल की बात कर रहा हूं, एंड सेकेंडरी बैटरीज दैट वी कैन इजिली रिचार्ज, दैट इज अवर एक्टिवा बैटरी, कार बैटरीज एंड मेनी मोर. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट स्टार्ट विद दिस बैटरीज. अ बैटरी इज अ बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल इन विच द केमिकल एनर्जी ऑफ एन रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्ट इनटू दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. In first session, in this chapter, we'll start with when you pass the electricity, chemical reactions takes place. What is the chapter of this title? Chapter ka title hai electrochemistry. The branch of the chemistry where we deals with the chemical energy is converted into electrical energy, and electrical energy is converted into chemical energy. Such kind of reactions are entitled as electrochemistry. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कशन किया कि व्हेन यू पास द इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस. नाउ हियर इन केस द केमिकल एनर्जी ऑफ एन रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ हियर इन केस जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन वी गेट सम इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स हमें कुछ आउटपुट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड यस यू आर राइट, बैटरी जो हम यूज करते हैं पेंसिल सेल हुज आउटपुट इज 1.5 वोल्ट. So here in case, just because of some chemical constituent present into this battery or cell, we get 1.5 watt volt. A battery is basically galvanic cell in which the chemical energies of a redox reaction is converted into electrical energy. There are two types. First is primary batteries, another is secondary batteries. So let's start with this primary batteries. So in primary batteries, here the reaction occur only at once, and after use over the period of time they become dead. It cannot be reused. Best example is dry cell, mercury button cell. So in this session we have to discuss the two primary cell, that is first dry cell. Dry cell ko Lacklandia cell bhi bola jata hai, and next is button cell, or you can say that mercury cell. Primary cell cannot be recharged and reused. So in this part we will discuss about a primary cell. First, dry cell. It is the compact form of Lacklandia shell. It consists of a zinc container. This is a pictorial diagram. Kabhi bhi aap logon ne dry cell ko cut kiya hoga, to dry cell it's look like this. सबसे पहले upper layer जो होता है dry cell का, वो एक एल्यूमिनियम फॉइल के जैसा होता है जिसके ऊपर ब्रांड नेम होता है. लेट्स टेक एग्जांपल एवरेडी हो या फिर निपॉन बैटरीज हो. जैसे ही आप फर्स्ट लेयर कट करोगे, यू फाइंड देयर इज अ एल्यूमिनियम फॉइल. सो वो जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसके ऊपर आपको जो भी ब्रांड होगा उसका लेबलिंग किया होगा. जैसे जैसे आप अंदर चले जाओगे, देयर इज वन कंटेनर. कंटेनर को और कट करोगे तो अंदर आपको फ्लूइड, बेसिकली सेमी सॉलिड लुब्दी जैसा मटेरियल मिलेगा. फाइन. एंड सबसे सेंटर के अंदर आपको कार्बन का रॉड मिलेगा, जस्ट लाइक दिस. जैसे नाउडेज आप लोग लीड यूज करते हैं पेंसिल के अंदर 0.5, बट 0.5 से 0.7 भी आता है, 1.0 भी आता है, 2.0 का भी लीड आता है. तो थोड़ा सा हैवी रॉड यहाँ पे मिलेगा, दैट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन रॉड. उसके बाद उसके ऊपर फर्स्ट लेयर कवर किया होगा आपका MnO2 एंड कार्बन से, दैट इज बेसिकली ग्रेफाइट. MnO2 एंड ग्रेफाइट का लेयर होगा, और उसके ऊपर NH4Cl एंड ZnCl2 की पेस्ट लगाई होगी, एंड उसको पूरा कवर किया होगा एक और एल्यूमिनियम कंटेनर के अंदर. एंड देन दैट इज फिल्ड एंड इट्स पैक्ड लाइक दिस. तो जैसे ही आप पेंसिल सेल को कट करोगे, आपको ऐसा कुछ पिक्चर डायग्राम देखने को मिलेगा. इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर एज एन एनोड, एंड द कार्बन दिस रॉड
ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय द पाउडर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन एक्ट एज अ कैथोड. तो ये जो कार्बन है वो क्या रोल में होगा, कैथोड के रोल में, और जो बाहर का पार्ट है दैट इज मेड अप बाय द जिंक कंटेनर दैट इज बिहेव्स एज अ एनोड. द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विद मॉइस्ट पेस्ट. मॉइस्ट पेस्ट में कौन कौन सा पार्ट है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl एंड ZN क्लोराइड दैट इज ZnCl2. नाउ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. क्या केमिकल रिएक्शन होगा, अभी यहाँ पे बताया कि ZN बिहेव्स एज एनोड. एनोड मीन्स ऑक्सीडेशन. तो एनोड के ऊपर क्या होगा, ZN गिव्स ZN +2 +2 इलेक्ट्रॉन. नाउ ग्रेफाइट कार्बन पाउडर एंड MnO2 बिहेव्स एज अ कैथोड. तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, MnO2 +NH4 + इलेक्ट्रॉन गिव्स MnOOH +अमोनिया गैस इज रिलीज. नाउ दिस अमोनिया गैस, मेनी अ टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि अगर फ्रेश नया ब्रांडेड सेल अगर आप जोर से नीचे जमीन पे पटकाओगे तो ब्लास्ट होगा और लिक्विड इज रिलीज्ड. दैट लिक्विड इज नथिंग बट अमोनिया. कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बैटरी ब्लास्ट हुआ जस्ट बिकॉज द प्रेशर ऑफ अमोनिया कैन नॉट बी सस्टेन. मीन्स अगर डेड सेल होगा तो वो कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा. क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा चीज एब्सॉर्ब हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है. नाउ फ्री अमोनिया बहुत कम होगा इसीलिए वो ब्लास्ट नहीं करेगा. बट अनयूज्ड फ्रेश बैटरीज व्हेन यू पुट इट इनटू दिस फ्लोर जोर से पटका होगे तो वो ब्लास्ट करेगा. सेकेंड, ये सर रिचार्ज क्यों नहीं होता है, द रीजन इन दिस रिएक्शन एट कैथोड मैंगनीज इज रिड्यूस फ्रॉम +4 to the +3 स्टेट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन, व्हाई ड्राई सेल कैन नॉट बी रीयूज्ड. आपको लिखना है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मैंगनीज इज रिड्यूस फ्रॉम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 एंड वंस +3 इज अचीव्ड इट कैन नॉट बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू +4 एंड ड्यू टू दिस रीजन ड्राई सेल और ड्राई बैटरीज कैन नॉट बी रिचार्ज और रीयूज्ड. मीन सारा का सारा Mn जो है वो +4 से +3 में चला जाएगा. देन इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट +3 to +4 एंड दैट्स व्हाई दिस वंस यू यूज्ड इट इट नेवर रीयूज्ड और रिचार्ज नहीं कर सकते हैं. अमोनिया प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन फॉर्म्स एन कॉम्प्लेक्स विद Zn+2 दस कोरोड द सेल. मीन्स बेसिकली आपने देखा होगा कि अपर पार्ट के ऊपर और लोअर पार्ट के ऊपर कोरोजन हो जाता है या फिर कोरोड हो जाता है जस्ट बिकॉज व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद Zn इट मेक अ कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स बिकम्स कोरोड. द सेल हैज द पोटेंशियल नियरली अबाउट 1.5 वोल्ट. आउटपुट क्या है 1.5. शायद आप लोगों ने देखा भी होगा या नहीं आई एम नॉट श्योर बट इनिशियल डेज जब मोबाइल नहीं थे, डिस्कमैन नहीं था, सबसे पहले था वॉकमैन. वॉकमैन के अंदर सिंपल सा कैसेट आता था, कैसेट लगाया जाता फ्रंट एंड बैक साइड और वॉकमैन के अंदर 4 बैटरीज लगाई जाती जस्ट बिकॉज वी रिक्वायर्ड 6 वोल्ट आउटपुट. तो 1 बैटरी हैविंग 1.5 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 4 बैटरीज यू गेट 6 वोल्ट आउटपुट. नाउडेज छोटे बच्चों के खिलौने के अंदर भी 2 से 3 बैटरीज लगती है. सो दिस इज ऑल अबाउट इफ यू वॉन्ट 3 एंड मल्टीपल आउटपुट ऑफ वोल्ट यू रिक्वायर्ड 1.5 इन मल्टीपल्स. मीन्स 2 बैटरी 3 बैटरी या 4 बैटरी लगानी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन आउटपुट. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड ड्राई सेल. ड्राई सेल इज ऑल्सो नोन एज लैक्लांशिया सेल. ये रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे कॉम्पिटिटिव के लिए एंड बोर्ड के लिए भी. इट्स रियली वेरी यूजफुल. नाउ नेक्स्ट इज वंस अगेन प्राइमरी सेल बट इट इज ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल. मर्क्यूरी सेल का दूसरा नाम है बटन सेल. बहुत सारी लेजर लाइट के अंदर या फिर जो पेन के अंदर लाइट आती है उसके अंदर या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के टाइम यूज करते हैं हम पॉइंटर जिसमें से रेड लेजर निकलता है, ये सभी के अंदर ये बटन सेल यूज होता है. बटन सेल इज ऑल्सो यूज इन अवर वॉच. जो रिस्ट वॉच हम पहनते हैं उसके अंदर भी ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ मर्क्यूरी सेल ही यूज होता है. होप आप सभी ने ये देखा ही होगा. हियर द एनोड इज Zn मर्क्यूरी अमलगम. मीन जिंक का मर्क्यूरी के साथ पेस्ट बनाया जाता है दैट इज एंटाइटल्ड एज Zn मर्क्यूरी अमलगम. एंड कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन. जो कैथोड है वो किससे बना हुआ है HgO एंड कार्बन.
डियर फ्रेंड्स, गुड सेट एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन, विच इज देयर इन एनोड, विच इज देयर इन कैथोड। तो कैथोड के ऊपर क्या है और एनोड के ऊपर क्या है, याद रखिएगा। एनोड किससे बना हुआ, जिंक मर्क्यूरी अमलगम का पेस्ट। कैथोड के ऊपर क्या है, पेस्ट ऑफ HgOn कार्बन। ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए लिख लिख के प्रिपेयर कीजिएगा, याद रह जाएगा। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होगा, तो एनोड, एनोड मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो Zn plus 2OH minus gives ZnO plus H2O2 electron release. Now this electron goes to HgO. कैथोड पे क्या है, HgO. कैथोड इज HgO plus H2O plus 2 electron gives Hg(n)2OH minus. So overall net reaction क्या होगा, 2OH minus 2H minus release. Cancel out, 2 electron cancel out, H2O, H2O cancel out. What is left? ZnHg plus HgO. ZnO plus Hg in liquid form. The cell has a constant potential of 1.35 volt and it remains constant during its as a overall reaction does not involve any ion. Koi ion nahi generate ho raha hai. Isliye through the jab bhi aap use karte ho, we always get constant 1.35 volt output. Whose concentration cannot be changed during the cell life. So this is all about your second part, that is called is mercury cell. Once again, iske anode and cathode ke reactions yaad rakhne padenge. Anode pe hai Zn plus 2OH minus gives ZnO, H2O2 electron release. On cathode, HgO plus H2O2 electron gives Hg plus 2OH minus. Net reactions yaad kar lijiyega. So this is all about your primary cell. प्राइमरी सेल के अंदर दो पार्ट देखे हमने, ड्राई सेल और लैक्टेंशिय सेल, एंड सेकंड पार्ट इज मर्क्यूरी सेल। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज के अंदर हम बेस्ट एग्जांपल लेने वाले हैं लेड स्टोरेज बैटरी, जो हमारी कार की बैटरी से। दोस्तों कई बार आप लोगों ने कार की बैटरी रिचार्ज भी करवाई होगी या फिर देखी होगी। अगर कार की बैटरी देखोगे तो कार की बैटरी ऐसी ही दिखाई देती है, ऊपर दो नॉब होते हैं कैथोड एंड एनोड के लिए, वो व्हाइट और रेड बटन से जुड़े हुए होते हैं। ईच एंड एवरी सेल मींस नीचे ये जो सेल बताया हुआ है, एक सेल का आउटपुट है 2 वोल्ट। दिस वन सेल हैविंग आउटपुट इज 2 वोल्ट, मींस 2 वोल्ट से मल्टीपल में बैटरीज बनती है। लेट्स टेक एग्जांपल, छोटी कार है तो उसकी बैटरी होगी अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट की, और जैसे बड़ी कार है दैट इज SUVs, MUVs और उससे बड़ी कार है, वो सभी के अंदर बैटरीज होगी अप्रोक्सीमेटली 18 से लेके 20 या 24 वोल्ट की बैटरी होगी। सो इन दिस केस 2 × 10, 12 to 10 ऐसे सेल जुड़े होंगे एक बॉक्स के अंदर, तभी वो आउटपुट बनाएगा 20 से 24 वोल्ट। इट्स डिपेंडिंग कितनी वोल्ट की बैटरी है, 18 होगी तो ऐसे 9 सेल मिलेंगे, 20 चाहिए आपको तो 10 लेने पड़ेंगे, या 24 चाहिए तो 12 लेने पड़ेंगे। ये है क्या बेसिकली, तो दैट इज लेड प्लेटेड पैक विद द स्पॉन्जी लेड एंड एसिड प्रूफ कंटेनर होता है। बेसिकली ये सारा का सारा होता है वो एसिड प्रूफ होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम फील करने वाले हैं 38% H2SO4। बेसिकली कई बार आप एक्टिवा की बैटरी भी डीम हो जाती है तो आप मैकेनिक के पास जाते हो, वो बोलेंगे उसको ओवरनाइट चार्ज करना पड़ेगा। सो ओवरनाइट चार्ज के अंदर वो बेसिकली क्या करते हैं, जो कैथोड है एंड एनोड है उसको रिवर्स चार्ज कर देते हैं, एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड की तरफ से चार्ज कर देते हैं। तो इसीलिए इट्स अ रीयूजेबल बैटरी। एंड सेकंड, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मैकेनिक ने बोला होगा सर इसके अंदर ड्राई हो चुकी है, उसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। इट्स नॉट अ नॉर्मल वाटर, इट्स 38% ऑफ H2SO4। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग सेकेंडरी बैटरी। अ सेकेंडरी सेल कैन बी रीचार्ज एंड रीयूज्ड अगेन। बेसिकली क्या होता है, कभी भी आप ब्रांड न्यू बैटरी खरीदते हो तो उसका एफिशिएंसी होगा 100%। जैसे 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 यूज होता जाता है तो ये जो H2SO4 की डेंसिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.84 होती है। सो ब्रांड न्यू बैटरीज अगर आप वे करोगे तो बहुत ही ज्यादा हैवी होगी, बट ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन H2SO4 इज कन्वर्टेड इनटू H2O एंड वाटर डेंसिटी इज 1। So, जब भी ये डेंसिटी 1.84 से डिक्रीज होते 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 हुए 1 या फिर 1.1 तक आ जाता है, मींस ऑल द H2SO4 आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, बैटरी वीक हो जाती है और बंद हो जाती है। कई बार इन मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर विंटर में सुबह सुबह आप सेल लगाते हो, सेल लगता नहीं है।
सो आप इमीडिएटली नियरेस्ट वर्कशॉप में जाते हो और बोलोगे तो वो बोलेंगे तो ये बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, उसको चार्ज करना पड़ेगा। फाइन, अब जैसे ही आप उसको चार्ज करवाते हो तो इसकी एफिशिएंसी 100% ना हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 75% हो जाती है। मीन्स वंस इट्स कम्प्लीटली डिस्चार्ज, सेकेंड टाइम उसकी एफिशिएंसी 70-75% हो जाती है। देन वंस अगेन आप पूरा यूज करोगे, फिर से आप रिचार्ज करवाने जाओगे तो उसका एफिशिएंसी हो जाएगा 50-55%। दो या तीन से ज्यादा आप फिर से उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, इट्स टाइम टू रिप्लेस द बैटरी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंडरी बैटरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज नोन एज लिड स्टोरेज बैटरी। दिस इज योर फिगर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस केमिकल रिएक्शंस विच इज यूज्ड इनटू दिस ऑटोमोबाइल्स एंड कन्वर्टर। इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड एज एनोड। एनोड पे क्या है? लेड। And a grid of lead packed with lead dioxide, that is PbO2, behaves as a cathode. Electrolyte क्या है? कौन electricity supply करता है? 38% of H2SO4 solution. On the charging batteries, the reaction is reverse, that is PbSO4 on anode and cathode is converted into Pb and PbO2. अब देखिए chemical reaction से समझते हैं क्या होता है। Anode के ऊपर क्या है? Pb। SO4 सर कहां से आ गया? तो H2SO4 में से SO4 आ गया, वो कन्वर्ट हो गया PbSO4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड। कैथोड पे क्या है? PbO2, ये SO4, 4H plus 2 इलेक्ट्रॉन, यू गेट PbSO4, सो 2H2 इज रिलीज्ड। देखिए ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन SO4 इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंड कन्वर्टेड इनटू H2O। तो इनिशियली बैटरी जो होगी वो बहुत ही हैवी होगी। क्यों? क्योंकि H2SO4 की डेंसिटी 1.84। जैसे जैसे वो रिएक्शन में SO4 रिलीज करता जाएगा, कन्वर्ट होता जाएगा PbSO4, वो होता जाएगा H2O रिलीज्ड। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है? देखिए ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन रिवर्स, मींस PbSO4 बिहेव्स एज एनोड। मींस ये PbSO4 क्या बन गया? एनोड। अब यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो ये PbSO4 एंड H2O इकट्ठा होकर क्या बन जाएगा? PbO2 प्लस SO4 एंड 4H+ इज रिलीज। So basically it's a reversible processes. Once again, Pb and SO4 convert होके बन गया PbSO4, and PbSO4 को अब उल्टा करोगे, जब charging में रखोगे तो क्या हो जाएगा? PbSO4 is ionized and converted into PbO2 and SO4 is released. So overall reaction of cathode and anode represented like this. So this is all about your secondary batteries, that is called as lead storage battery. एंड इसका आउटपुट है 2 वोल्ट। इसका एक सेल का आउटपुट है 2 वोल्ट। अब आपको मल्टीपल पे ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए तो 6 ले लीजिए, 18 की चाहिए तो 9 ले लीजिए। एक और बैटरी सेकेंडरी बैटरीज में आती है, दैट इज कॉल्ड इज निकल कैडमियम बैटरीज, दैट इज रिचार्जेबल सेल। मीन्स आपने कैमरा के अंदर भी यूज किया होगा या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा जिसके अंदर रिचार्जेबल बैटरीज आती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिथियम आयन बैटरी, प्लीज। सिंपल पेंसिल सेल जैसा ही सेल होता है, बट ऐसा सेल के जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो, दैट इज एंटाइटल्ड एज निकल कैडमियम बैटरी। नाउ दिस निकल कैडमियम बैटरी इज रियली वेरी कॉस्टली वन, एंड ड्यू टू दिस रीजन इट इज नॉट यूज्ड इन डे टू डे लाइफ पर्पस। मीन्स आप सभी को पता है अगर आप रिचार्जेबल सेल लेने जाओगे तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 600 रुपीज की 4 पेयर्स मिलेगी आपको। मीन्स इट इज रियली वेरी कॉस्टली एज कम्पेयर टू दिस नॉर्मल पेंसिल सेल विच हैविंग अ 10-15 रुपीज प्राइस। सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल इज निकल कैडमियम सेल विच हैज अ लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज सेल बट मोर एक्सपेंसिव टू द मैन्युफैक्चरिंग। एंड हियर इज द ओवरऑल नेट रिएक्शन, दैट इज Cd+2NiOH5 गिव CdO प्लस 2NiOH2 प्लस H2O। सो इसीलिए डे टू डे लाइफ के अंदर हम जनरली रिचार्जेबल बैटरीज यूज नहीं करते हैं, बट कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर ये यूज करते हैं। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट बैटरीज, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूल सेल एंड लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड इज कोरोशन। सो नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूल सेल एंड कोरोशन। थैंक यू।